एफआईआर कोनो दाल भात चोखा चटनी है का? किसान के दाल भात चोखा चटनी खा ले पेट भर जाए। हाँ, कानून के खिलवाड़ समझ ले बेटा लोग का। तो पुरिया भाउजी को हो गया जे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो एक बात बोले बाबू, जब गोरखपुरिया भौजी गलत रहेंगी तभी तो जेल होगा। अब वो तो न्याय के लिए लड़ रही थी ना, तो उनको जेल क्यों होगा? तो दोस्तों, कुछ लोगों का वीडियो आ रहा है कि गोरखपुरिया भौजी जेल में चली गई, राधा जेल में चली गई, फलान ढिकान। मतलब जब इंसान गलती किए रहेगा तब तो जेल में जाएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हम गुड़िया गोरखपुरिया, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे आए आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब बहुत हो चुका है आप लोगों का खेल, जो आप लोग खेल खेल रहे हैं दोस्तों। कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जो कि खेल खेल रहे हैं, उल्टा पलटा वीडियो बना रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी जेल चली गई, राधा जेल चली गई, गोलू ये वो। मतलब तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी जेल नहीं गया। देखिए, प्रशासन ऐसे भी किसी को जेल नहीं ले जा सकती है। पहले तो सच, जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाता है। जो भी सच है उसको तो पहले सामने लाएगी, तभी तो कोई जेल जाएगा। ऐसे किसी को उठा के जेल में डाल देंगे? बताइए, जब गलती रहेगी तभी तो मानते हैं कि गलती हुई है। लेकिन गलती कब हुई है? वो वहां पे नहीं थी तब गलती हुई है। अगर वो वहां पे होती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बाद में लेट से पहुंचती हैं, पहले ही वहां पे जो किन्नर समाज के लोग थे पहले ही वहां पे पहुंच जाते हैं। और जो भी होता है, नंग अवस्था में जो भी करना होता है करते हैं दोस्तों। उसके बाद में जब रुप्रिया भौजी पहुंचती हैं तब वो उन लोगों को शांत करवाती हैं। इतना भी बोला गया है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, वहाँ उस कैमरे में जो भी कैद हुआ है रिकॉर्डिंग, उसको निकाला जाए और दिखाया जाए कि उसमें मतलब हम कब पहुँचते थे। तो दोस्तों, ये तो कोई सुन नहीं रहा है, ना ही कोई कर रहा है। बस यही रट लगा रखे, फलाने के ऊपर FIR हो गया, ढेकाना जेल में। मतलब FIR कोई दाल भात साग और चोखा ना है कि मिला के सन लू आसान के खा गए। तो दोस्तों, ये दाल भात नहीं है, जो कि कुछ लोग समझते हैं कि ये दाल चावल FIR करना। तो दोस्तों, दाल चावल नहीं है कि किसी के ऊपर कभी भी FIR कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आप FIR लिखवाने जाएंगे तो उसमें आखिर में जो थाने पे होते हैं, जो हमारी प्रशासन होती है, पहले देख पूछेगी ना कि फला आदमी क्या गलत था, तो आप क्या गलत किए, आप क्या नहीं किए। आप भी तो पहले ही बोले दोस्तों, हम भी एक शख्स के खिलाफ FIR किए थे, जो कि किए हैं, ये नहीं है कि नहीं किए हैं हमें FIR, लेकिन अभी भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ मतलब थाने से फोन नहीं आया, और एक दिन सोच रहे हैं कि जाए पता लगाए, देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए, रही बात तो हम तो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर बेवजह बेबुनियाद इंजाम लगाया गया। तो FIR तो भाई हम करेंगे ही, किए भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं FIR। तो दोस्तों, कल हम भी जाएंगे थाने पे और पूछ देखते हैं, जांच पड़ताल करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो उसका भी हमको मतलब जाँच करना जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज हमको गाली पड़ी है, कल दूसरे को, कल किसी को भी वो शख्स गाली दे सकता है। क्योंकि जिसके मुंह में जो कहते हैं ना, उसको अपनी माँ अपनी बहन का कोई भी कदर नहीं, अपनी बीवी का कोई भी कदर नहीं है, तो दूसरे का भी नहीं करेगा। और हम यही कहेंगे कि वो अपने माँ बीवी बहन का करे कदर चाहे ना करे, लेकिन दूसरे औरतों का कदर करे। इसलिए हम उसके ऊपर FIR किए थे। और यहाँ दोस्तों देखा जा रहा है, पहले लोग अश्लील के खिलाफ लड़ते थे कि अश्लीलता दूर किया जाए, यहाँ अश्लील का साथ दिया जा रहा है। जो शख्स, जो इंसान अश्लील के खिलाफ वीडियो डाला था कि अश्लील के खिलाफ हम भी लड़ते हैं, हम भी आवाज उठाते हैं, कोई भी अश्लील वीडियो बनाएगा तो हाँ उसका खैर नहीं है। अब क्या हुआ? अब उसी अश्लील वाले के लोग तलवे चाट रहे हैं जाकर के। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहे हैं दोस्तों, उसी अश्लील का तलवे चाट रहे हैं लोग जाके। आज यही कारण है, आज ये अश्लील का ही कारण है, जो कि मालती चौहान और विष्णु राज, हम मतलब सब लोग छट गए, अश्लील के ही वजह से छटे थे। ऐसे ही नहीं छटे थे, क्योंकि जब ये लोग अश्लीलता का साथ देने लग गए हैं, उसके बाद हम लोग एकदम बिल्कुल अपना मतलब अलग ही हो गए ना। वहाँ पे जाते थे ना आते थे, ना बोलना चाह, मतलब कुछ भी नहीं होता। कोई हम लोगों का लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं हुआ था कि हम लोगों में कुछ ज़्यादा हो गया था इसलिए हम लोग नहीं बोले। बस इतने ही के लिए नहीं बोले थे कि वो लोग गलत इंसान का साथ देते हैं, गलत लोगों को बढ़ावा देते हैं, बस यही मैटर था। और उनका हमारा कोई पर्सनली मैटर नहीं था, कोई भी मार लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों,
अब ये सामने आया कि फलाना को ऊपर FIR कर देंगे, ढिकाना को ऊपर FIR करेंगे, फलाना जेल में चल गया, ढिकाना जेल में चल गया। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि अफवाह फैला रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी जेल में गई, गोरखपुरिया भौजी जेल में चल गई, नहीं तो वीडियो का क्या बनाता, फरमाएगी तुम्हारे दादा? हाँ, ऐसे गोरखपुरिया भौजी के जेल हो जाए? जे कहले बात जे सही के साथे रहला, जे सही सही के साथ है, सही खातिर लड़ता। आज गोरखपुरिया भौजी आज अपने परिवार से दूर बाटी, तो कहें सही के साथ देताली, सही सही के साथ रहली आ सही खातिर लड़त रहली, तब आज अपने परिवार से बेचारी दूर बाटी। तो कहले बा जे जे सच के साथ देला ना, सच के खातिर लड़ल ना, तो के बहुत मुसीबत झेले के पड़ला। आ बेचारी झेलत है, आज उनका साथ दे चाहे तो लोग यार वार जन कहले बा चूल्हे में लौना लगावता, जाके कब ये चूल्हे में कबो जानता कि इनन के लगे हमार कौनो दाव लहे वाला नहीं बा। हमार ऐसे अपन वीडियो बनाए तो वीडियो चली नहीं, आ ओले अच्छा बाकी कहे ना इनके बदनामा करके वीडियो बनाए, तो बदनाम करके कितना दिन वीडियो बनेगा, कितना दिन चली वीडियो बना। आ जन भी आज अपने लइकन से दूर बाटी, जितना रोवत अटी बिलख अटी, जने जने हालात में बाटी। अगर अगर ऐसने मेहरारू के अगर तू लोग न समझ पावा ना, तो इंसान का जिंदगी व्यर्थ रहा। तो ये काम तो दोस्तों आप लोग बेवजह बेमतलब का FIR है, ये है, बहुत हो गया नाटक और नौटंकी, अब मत कीजिए, क्योंकि भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है। यही आप लोगों आप सही बता रहे हैं, इतना घटिया लोग आप लोग, इतना घटिया काम आप लोग कर रहे हैं ना कि क्या बताएं, बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। अब ऐसे ही रहा, अगर साथ मान लीजिए आज अगर साथ खड़े होते तो वो भी कहते कि हाँ हमारे साथ कोई खड़ा है, लेकिन दोस्तों नहीं कहते ना कि बनले पे दुनिया कामयाब वाला, लेकिन बिगड़ले पे केहू नहीं काम वाला। आज बेचारी के बिगड़ल बा, आज बेचारी के ऊपर झूठा झूठा आरोप लगल बा, तब लोग उल्टा पलटा बोल के वीडियो बनाता, उल्टा पलटा कहता। जब वह अपने अच्छा रही, अच्छे से घरे रहता ली, लोग जाते रह मिलता बहुत शान से, आज का भाई तो यही के कहल जाला, जे बनल जे बिगड़ले पे रहला ना, वही वही के बनलहू पे पूछल जाला कि जे बिगड़ले पे ना, बिगड़ले पे जन कहले बा जन दोस्त साथ छोड़ देला ना, दोस्त दोस्त ना होला, ठीक बा? ऐसा काम नहीं करा लोगन कि इंसान एकदम मजबूरा हो जाए तुहन पचन के उल्टा पलटा बोलने में, तब भी वो केहू के उल्टा पलटा ना बोलल है। इतना लोग उनके ऊपर अंगुली उठौलन ना, फिर भी हम लोग के देखा जाता नहीं केकर वीडियो कैसा आता, के का बनाता, के का नहीं बनाता, लेकिन तब भी वो इंसान किसी पे भी उंगली नहीं उठा, बस यही बोल रहा है कि हम टूट चुके हैं, हम ये है वो है, मतलब अपने ही बारे में बोल रही है, इतना ज्यादा रो रही है। बताइए आप लोगों को शर्म नहीं आता यार? अगर किसी का साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम, बना नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए भी नहीं। औरत है, औरत की मजबूरी ना समझे तो बेकार है। केस हो गया तो ये हो गया तो कचहरी फलान ढिकान रे मैया, दिमाग एकदम खराब करके रख दे रहे हैं सब। तो दोस्तों वीडियो है पेंट करते हैं, बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है, अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन ये अफवाह में आप लोग मत फैलिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कॉल आ चुका है कि गोरखपुरिया भौजी क्या सच में जेल चल गई? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जेल क्यों जाएंगी, वो गलत नहीं है, जो कि वो खुद नहीं की है, वो जो भी हुआ था वो किन्नर समाज के लोग ही किए थे, जो कि मालती के चाहने वाले थे वो लोग, और मालती का वीडियो पसंद करते थे, उनका वीडियो देखते थे दोस्तों, वो लोग भी सोचते थे कि मालती चौहान को देखते थे कि उनका परिवार बहुत ही गरीब है, इसलिए वो लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हुए, वो लोग खुद जा करके खुद किए थे जो भी किए थे। आप लोग देखे ही होंगे वो लोग बहुत सारा ऐसा इंटरव्यू दिए हैं कि हम लोग खुद से किए हैं, इसमें गोरखपुरिया भौजी का कोई भी हाथ नहीं है दोस्तों। वहाँ पे मतलब ऐसा बहुत सारा सबूत है, लेकिन फिर भी सबूत को नजरअंदाज किया जा रहा है, उस सबूत पे नजर नहीं डाला जा रहा, बल्कि उसको नजरअंदाज किया एक इंसान को बदनाम करने में। तो एक बात बोले, जब वो सही है ना तो कोई उनको बदनाम भी नहीं कर सकता, ठीक है? जब कोई बना भी नहीं सकता तो कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है। अब वो इतनी जल्दी हार मानने वाली औरत नहीं है, बल्कि बहुत ही मजबूत है वो, जो आप लोग समझते हो वो उसमें की नहीं है, वो बहुत ही मजबूत है, हम लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है? तो आपके आप लोगों का ये जो इसको छिछलेदर बोलते, जो आप लोग छिछलेदर कर रहे, करिए कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन आपके ही काम आने वाला है, क्योंकि
कहीं ना कहीं इस वीडियो की वजह से आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं उल्टा पलटा बोल रहे, कहीं ना कहीं आप लोग भी फंस सकते हैं। तो ऐसा वीडियो मत बनाए कि आगे चल के आपको कुछ नुकसान पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो सॉरी माफ कीजिएगा। बाय, लव यू, टाटा।